आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई फिर से टल गई है। अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन जज के नहीं बैठने से लालू की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगले हफ्ते लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई कोर्ट से रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया था। चारा घोटाले के करीब 65 टन दस्तावेज हाईकोर्ट पहुंचाए गए हैं। अगली सुनवाई पर लालू प्रसाद यादव की ओर से जमानत दिए जाने पर बहस की जाएगी। वहीं एक बार फिर से लालू यादव की सुनवाई टलने से लालू के समर्थकों में मायूसी छा गई है। लालू समर्थकों को उम्मीद थी कि सुनवाई होने के बाद उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन एक बार फिर से लालू यादव की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में अब अगले हफ्ते लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि डोरंडा कोषागार से कुल 139 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव को दोषी ठहराया। इसके बाद 21 फरवरी को ऑनलाइन सुनवाई में लालू यादव को अदालत की ओर से 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। लालू यादव समेत कुल 40 अभियुक्त इस मामले में दोषी ठहराए गए। देसवा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।